यूपी को मिलेगी 9 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात, पीएम मोदी 30 जुलाई को करेंगे लोकार्पण। बिहार के शिक्षा मंत्री की बड़ी घोषणा, अगस्त में खुल जाएंगे 10वीं तक के स्कूल। मोदी सरकार में मंत्री बनते ही निशाने पर आए जॉन बिरला, ममता सरकार ने दिया अवैध मकान तोड़ने का आदेश। सिद्धू का समर्थन कर रहे विधायकों पर गिरेगी कैप्टन की गाज, फिर से खुलवाई जा रही फाइलें। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत नाजुक, देखने पीजीआई पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी भारती समाचार, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। खबर है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। सोनभद्र के सर्किट हाउस में आज निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने बताया कि जिन जातियों में राजनीतिक चेतना आई वे आज संख्या में कम होने के बाद भी सत्ता में है, और जिन जातियों में राजनीतिक चेतना नहीं आई वो आज भी सत्ता से बाहर है। इसलिए वो आज सोनभद्र में पहुंचे हैं और निषाद सहित अन्य अनुसूचित जातियों को इकट्ठा कर उन्हें राजनीतिक रूप से ट्रेंड कर पॉलिटिकल फाइटर बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा ही आरक्षण दे सकती है, क्योंकि इससे पूर्व 70 वर्षों तक कांग्रेस, सपा, बसपा सहित सभी राजनीतिक दलों के द्वारा इन जातियों को छला गया है। इसके माध्यम से इनकी एक आवाज है, इनका एक मुद्दा आरक्षण का, जो संविधान में लिखा हुआ मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बिल्लार, खरूट, कोली 7 नामों से, और जो राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन कर रखा है कि गिनती किया जाए इन्हें और इनको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जाए, लेकिन इनके ऊपर क्रिमिनल कास्ट होने के नाते ये ले नहीं पाए और 5 साल 16 दिन गुलाम थे, और जिन जातियों ने, जिन लोगों को अवसर मिला वो चुनाव लड़े, पहला चुनाव लड़े, सत्ता में कब्जा किया और इनके हाथ कर लिया। कांग्रेस ने इनकी फाइल को गायब करा दिया, जो मुकुल वासनी शैलजा ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखा है। इन्हें बताने आया हूँ कि भाई देखो। खबर है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। मुरादाबाद पुलिस का एक घिनौना कारनामा सामने आया है। गैंगरेप पीड़िता की रिपोर्ट बदलने के लिए पुलिस ने डॉक्टर को पैसे देते हुए गैंगरेप पीड़िता ने देख लिया, जिसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें, मुरादाबाद में गैंगरेप की शिकार 16 साल की नाबालिग पीड़िता ने पुलिस कर्मियों पर उसका मेडिकल कराने के दौरान जिला अस्पताल के डॉक्टरों को पैसे देने का आरोप लगाकर हंगामा किया। पीड़िता के मुताबिक उसका भाई गांव के एक व्यक्ति की लड़की को प्रेम प्रसंग के चलते लेकर भाग गया था, जिसके बाद आरोपियों ने उसके माँ बाप का अपहरण किया और उसके बाद उसे भी झूठ बोलकर उसकी रिश्तेदारी से बुलवा लिया, और फिर उसके साथ 8 लोगों ने कई दिन तक उसके माँ बाप के सामने ही गैंगरेप किया। वहीं पीड़िता का आरोप है कि उसका मेडिकल कराने गए इंस्पेक्टर ने डॉक्टर को महिला पुलिसकर्मी के माध्यम से पैसे भेजे, जो उसने देख लिए। एक तो 3 लोग थे, एक टीटू, एक अनूप और एक सर्वेश। उन्होंने किया तो आपकी लड़की को ले गए थे ये लोग? हाँ, ये ले गए थे ये घर से। जब उन्होंने लड़की वापस ले गई तो आपने रिपोर्ट लिखाई, क्या करा? लिखाई थी, मगर हमारी सुनवाई कुछ नहीं हुई। रिपोर्ट लिखवाई थी, सुनवाई नहीं। हाँ। अच्छा, फिर उन्होंने मेडिकल कराया आपकी लड़की का? नहीं, कुछ नहीं। पुलिस मेडिकल कराना नहीं चाहती? नहीं चाह रही। क्यों नहीं चाहती थी? वो उनसे मिल गए थे। मिल गए थे? हाँ, उन लोगों से मिल गए थे। ये बताओ फिर क्या हुआ? फिर आपने जो है वकील साहब के द्वारा कोई अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था? हम लोग वकील साहब के तरफ से, हमने कोर्ट के तरफ से हमारा आदेश हुआ। तो आज जो है आप नेहा को, जो है लड़की को लेकर अस्पताल गई? अस्पताल गए थे, वहाँ पे हमारा, उन्होंने, दरोगा जी ने वहाँ पे पैसे देने की कोशिश करी। पैसे दिए? हम पैसे दिए थे वहाँ पे। और हमने जो देखा था, हमने वकील साहब से बोला, वकील साहब ने उनको रोका। तो क्या करा वकील साहब से? वकील साहब से उन्होंने झगड़ा कह रहे थे। झगड़ा करने लगे इस बात से? नाराज हो गए? नाराज हो गए, झगड़ा करने लगे थे। हाँ, वकील साहब ने बहुत कहा था। इसका एक्सरे होना है? अब इसकी बाहों का एक्सरे होना है। अच्छा, आपकी लड़की का मेडिकल हो गया? हाँ, हो गया। आज मेडिकल हो गया है। अब क्या उम्मीद लगती है आपको कोर्ट से? कोर्ट से उम्मीद, अदालत से उम्मीद पड़ रही है कि हमारा केस हो जाएगा, न्याय मिल जाएगा आपको? न्याय मिलेगा, ये भरोसा है आपको? हम भरोसा है आज हमें, अब तक कोई भरोसा नहीं था। अब तक पुलिस पे जो भरोसा नहीं है? नहीं था, आज से हमें कुछ भरोसा पड़ गया है। दरवाजे पे, विपिन कुमार पे भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है हम पे। हमें आज जो उन्होंने नोट देने वाली हरकत करी, इससे क्या लगता है? 500 का नोट दिए था हमें, तो ये था कि आज भी हमारे साथ में ये गद्दारी कर रहा है। खबर है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। जनपद फिरोजाबाद के थाना टूलना नगर के 2 मकानों में लाखों की चोरी हुई है।
एक सुनार सहित 5 छात्र चोरों को टूलना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लगभग 15 लाख के सोने चांदी के आभूषण व नकदी भी बरामद की है। एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि इस चोरी के प्रकरण में 51 चूड़ियां बिछिया, सोने की जंजीर, स्कूल के सर्टिफिकेट आदि बरामद किए गए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान आरोपियों को जेल भेज दिया है और इस सफलता में टूलना पुलिस टीम को एसएसपी अशोक कुमार ने 10,000 का इनाम पुलिस टीम को देने की घोषणा की है। देखिए, ये चोरियां बहुत हो रही थी टूलना में, तो हम लोग इसमें अपनी टीम लगाए है। जनता बहुत परेशान हो रही थी, तो ये 5 व्यक्ति पकड़े गए, दीपू, भूरा, आकाश, पुष्पेंद्र, मुन्नालाल और विष्णु। ये ऑटो लेके चोरी करते थे, पूरा गैंग था इनका, और इनके पास से 3 घटनाएं तो बरामद हुई हैं, खुली हैं, जो टूटला की मुकदमे लिखे हैं, चोरियां हुई हैं, वो तो सारे माल बरामद हुई हैं। वादी ने आके देखा है, पहचाना है, इनका ऑटो भी बरामद हुआ है, और इनकी 9 अंगूठी हैं इसमें, 15 झुमकी हैं, 9 पेंडल है, 51 चूड़ियाँ हैं, 11 पायल हैं, 18 बिछुए हैं, 2 कंगन हैं, 1 ऑटो है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, ये उस व्यक्ति की पासबुक है, ये उनका विद्यालय का सर्टिफिकेट है, और ये भी है, ये उनका जो लूटा हुआ सामान था, ये इस बात का प्रमाण है कि ये ओरिजिनल चोर हैं, इसकी बरामदगी है। अंगूठी तो मामला एक बार ये हो सकती है कि इसकी है कि नहीं है, हाँ की बरामदगी किसी चोरी की है, बट ये इस बात का प्रमाण है, सर्टिफिकेट, कि ये ओरिजिनल चोरी वर्कआउट हुई है। और ये 5 पकड़े गए हैं, एक भाग गया है, इन 6 की पकड़ के बाद इनका गैंगस्टर बनाएंगे, नकब देने का गैंग बनाएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये चोरियाँ नेगलेक्ट हो जाती हैं, बड़ी घटनाएँ तो वर्कआउट हो जाती हैं, निगाह में रहती हैं, ये कुछ छोटी जो घटनाएँ हैं कभी कभी इग्नोर हो जाती हैं, लेकिन मैंने इनको लक्ष्य किया था, इनको सबको वर्कआउट करेंगे, इसमें सफलता मिली है टूडला इंस्पेक्टर को और उनकी टीम को। मैं इस टीम को बधाई देता हूँ और उनको 10,000 रुपये का इनाम भी इस टीम को देता हूँ। इस तरह से जो ये बारीक काम है पुलिस का, ये ओरिजिनल वर्क है पुलिस का, ये करके दिखाया है। सर, सामान कितनी कीमत होगी? सामान ये लगभग 10 से 15 लाख का सामान है, सब सोने के आइटम हैं, अभी और भी इनसे बरामदगी होगी, इनका जो एक साथी भगा हुआ है उसके पास भी कुछ सामान। नगर निगम के डंपर बने यमराज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाराणसी की, जहाँ लहरतारा चौक घाट फ्लाईओवर लगातार दुर्घटनाओं पर दुर्घटनाएं करके एक्सीडेंट हब बनता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम के डंपर भी वाराणसी की जनता के लिए यमराज बनते दिखाई पड़ रहे हैं। लहरतारा चौक घाट फ्लाईओवर पर बीते कुछ महीनों के आंकड़े देखे जाएं तो दर्जनों दुर्घटना होने से कईयों ने जान गंवाई है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम के डंपर भी लगातार कुछ महीनों में कईयों को रोड पर मौत के घाट उतारते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला वाराणसी के लहरतारा फ्लाईओवर के रात 2 बजे का है, जहां लखनऊ से वाराणसी में मोहन सराय की ओर ब्रजेश शुक्ला नामक चालक अपने मिनी ट्रक को लेकर जा रहा था। वहीं दूसरी ओर रॉन्ग साइड में वाराणसी नगर निगम की कूड़ा डंपर खड़ी थी, जिससे लहरतारा की ओर आ रही DCM ट्रक की भीषण टक्कर हुई। टकराने के बाद DCM के आगे के हिस्सों के परखच्चे उड़ गए। वहीं दूसरी ओर डंपर का चालक फरार हो गया और DCM चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, लगातार नगर निगम के जो डंपरे हैं वो हम बनारसियों के जान का काल बना हुआ है। अभी आप देखे होंगे कि एक चेतगंज में बच्ची को कुचल दिया गया, दूसरा जो है साजन चौराहे पर जो है एक व्यक्ति को जो है नगर निगम के डंपर ने उनको कुचल दिया, पूरा सर उनका गायब हो गया। अभी कल जो है रॉन्ग साइड में कितना मतलब अजीब सा ये सवाल है कि लहरतारा फ्लाईओवर जैसे सबसे जाम वाले स्थिति में जो है नगर निगम का डंपर जो है रॉन्ग साइड पर खड़ा कर दिया जाता और ड्राइवर उसका चालक पता नहीं कहाँ चला जाता। वहीं दूसरी तरफ से एक मालवाहक आता है जिसका वो अपने साइड से आता है और रॉन्ग साइड वाले खड़े डंपर पर जो है धक्का मारता है और चालक वहीं मर जाता है। इत्तेफाक से वो चालक जो है शुक्ला है, हालांकि जाति बिरादरी का कोई बात नहीं है, लेकिन यह नगर निगम की घोर लापरवाही है और लगातार बनारस के लोगों पर खतरा बना हुआ है। नगर निगम का डंपर जिस तरीके से हम बनारसियों का जान लेने पर तुला है, लगातार प्रेस के लोगों के द्वारा यह सवाल उठाया जा रहा है
पता नहीं क्यों कमिश्नर साहब नहीं सुन रहे हैं। पता आए दिन पुल पर ही घटनाएं हो रही हैं लगातार, पुल पर भी हो रही हैं घटनाएं लगातार, सबसे ज्यादा व्यस्तम एरिया में भी लगातार नगर निगम के डंपर जो है कि लोगों की जान ले रही है। तो इस तरीके का हमको ये नहीं समझ में आता कि कमिश्नर साहब क्यों नहीं इसको संज्ञान में लेते हैं। दूसरी बात यह है नगर निगम के आयुक्त महोदय और जो आरटीओ के लोग हैं वो नगर निगम के डंपर को क्यों नहीं उनके चालकों का वो लेते हैं लाइसेंस, और उस पर कौन से लोग चलाते हैं, क्यों इतनी लापरवाही है बनारस के नगर निगम के डंपरों का। दूसरी एक सबसे बड़ी बात बताएं कि रोडवेज चौकी के अंतर्गत जो है परसों एक एक्सीडेंट होता है जिसके रोडवेज और उसमें पूरी तरीके से बॉडी उस एक्सीडेंट में ध्वस्त हो जाती है, उसका पूरा पलीद निकल जाता है शरीर का। हम पहली दफ़ा पुलिस का मानवीय चेहरा देखते हैं और बड़ा सराहना करते हैं चौकी इंचार्ज सुफियान अहमद साहब का कि उन्होंने बिना किसी का इंतज़ार किए अपने हाथ से जो है पूरा मांस को बटोरा, उसको पैक किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एक तरफ तो हमारी बनारस का ये मानवीय चेहरा जिसको देख करके हम बनारसियों को गर्व महसूस होता है, दूसरी तरफ नगर निगम का ये डंपर जो लगातार लोगों का जान ले रहा है। तो निश्चित रूप से कमिश्नर साहब को, वाराणसी कमिश्नर साहब को, नगर आयुक्त महोदय को और आरटीओ को इन डंपर के जो चालकों का जांच करना चाहिए, इनकी लाइसेंस जांच करनी चाहिए। ये तीसरा एपिसोड है मीडिया के माध्यम से जिस पर मैं ये मांग कर रहा हूँ। कहाँ सोई है जिला प्रशासन और क्यों चुप है, क्यों मौन है डंपर के कातिल और हत्यारे ये ड्राइवरों के ऊपर जो है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर जिला प्रशासन को जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करनी चाहिए इस पर मेरी ये खबर है। उत्तर प्रदेश के इटावा से इटावा ड्रीम फेयर प्रोडक्शन हाउस द्वारा कार्यक्रम किया गया आयोजित, मिस्टर एंड मिस यूपी आइकॉन एंड तीन आइकॉन इटावा में होने जा रहा इसका ग्रैंड फिनाले। 10 अगस्त को वृंदावन गार्डन इटावा में होगा कार्यक्रम। कार्यक्रम के सीईओ दीपक अग्निहोत्री ने मधुबन वाटिका में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उक्त जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में आगरा, औरैया, मैनपुरी, कानपुर, लखनऊ, फिरोजाबाद, इंदौर जैसे कई शहरों के बच्चे हिस्सा लेंगे। उक्त कार्यक्रम में कुल 80 प्रतिभागी लाभ लेंगे। प्रेस वार्ता में डायरेक्टर प्रणब पांडे, फाउंडर अंकित अग्निहोत्री, डायरेक्टर यमराज, मैनेजर पूजा दुबे और अंकित यादव ने भी भाग लिया। इसकी पेरेंट्स या बच्चे, मम्मी पापा कोई भी सपोर्ट नहीं करता है या पैसे का इशू होता है तो हम उनको मतलब फ्री उतारते हैं एज अ चैरिटी के थ्रू। और जो पार्टिसिपेंट होते हैं इस फील्ड में आगे नहीं जा पा रहे हैं इटावा के कैंडिडेट, तो उनको हम लोग मतलब फ्री प्रमोशन देते हैं, उनका आने जाने का, स्टे का, देन उनको हम लोग पैसे का प्रोवाइड कराते हैं क्योंकि पैसे का उनको बहुत इशू होता है। और जो हम लोग मॉडलिंग का इवेंट करा रहे हैं वो हम लोग हर साल इवेंट कराते हैं, फिर जो होता है इटावा के पार्टिसिपेंट आगे बढ़ेंगे तभी हमारे कहाँ आयोजन होगा किस तरह से करेंगे। जी, इसका ग्रैंड फिनाले वृंदावन गार्डन में 10 अगस्त को इटावा में है। अच्छा जी, तो इसमें अभी तक क्या क्या कार्यक्रम आप कर चुके हैं इससे रिलेटेड? इससे मतलब इससे पहले हमने कौन कौन से कैसे किया जी, कैसे लोगों को इनवाइट करेंगे, कैसे उस कार्यक्रम का आयोजन की जो भूमिका है इससे पहले किस तरह से आप कर चुके हैं? इससे पहले जैसे हम लोगों ने मतलब सांस्कृतिक समारोह कराए हैं कोविड को देखते हुए, जैसे इस साल हम लोग फिर से सांस्कृतिक समारोह कराए, जो हमारी थीम है वो सांस्कृतिक विरासत। जैसे हम लोग जो भारत के मतलब इटावा के पार्टिसिपेंट है, हम लोग जो हमारा एक राउंड होगा ट्रेडिशनल राउंड, उसमें हम भारत की जितनी मतलब स्टेट की भूषाएं होती है कपड़ों की वो हम लोग उस स्टेट पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कंटेस्टेंट के थ्रू। ये जो आप करा रहे हैं ग्रैंड फिनाले जी, इससे पहले भी क्या आपने कैसे जो प्रतिभाग करने वाले प्रतियोगी है कैसे सिलेक्ट किए थे, कहाँ से? इससे पहले जैसे हम लोगों ने मिस्टर इटावा, मिस्टर एंड मिस इटावा कराया था, तो जाहिर सी बात है इटावा में इटावा के इवेंट होगा तो इटावा ही के सारी पार्टिसिपेट आए थे। जैसे इस साल हम लोग मतलब ऑल ओवर यूपी का करा रहे हैं, तो हमारे ऑल ओवर जैसे औरैया हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, सेसागंज हो गया, बैठना हो गया, जितने मतलब ऑल ओवर स्टेट, आगरा हो गया, जितने पार्टिसिपेंट हैं ऑल ओवर यूपी से आ रहे हैं, उनका हम लोग स्टे फूडिंग मतलब ऑल ओवर हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं अपनी तरफ। प्राइमरी इंटरव्यू कैसे कराया अभी तक उनका? उनका मतलब उनकी हम लोगों ने मतलब ऑनलाइन जैसे ऑडिशन लिया तो हम लोगों ने उनकी बाइट इंटरव्यू मंगवा लिया था, जिसके थ्रू उसके बेस पर हम लोगों ने उनकी मतलब डांस की वीडियो मंगा ली, उसके टैलेंट के बेस पर हम लोगों ने। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।